इन दिस सेक्शन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड हाउ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन लीड टू इकनॉमिक एफिशेंसी इकोनॉमिक एफिशेंसी का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जहाँ आपके स्पिलओव लीकेजेस वेस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो आपका एफिशेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है ताकि आप और आप कहीं कम अज़ कम आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं वो वाली कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी का पॉइंट या इकोनॉमिक एफिशिएंसी सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस सेक्शन इज दैट जो इंस्टीट्यूशनस होते हैं यानी कि जो इदारे हैं जैसे बैंक है इंश्योरेंस की कंपनीज हैं म्यूचुअल फंडस की ऑर्गेनाइजेशन हैं ये तमाम जो इदारे हैं जो कि फाइनेस में डील करते हैं ये हेल्प करते हैं एक रिस्क ट्रांसफ़र को दूसरा जब ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क हो गया तो फिर ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से क्या फ़ायदा पहुंचता है इन्वेस्टर्स को बिजनेसमैन को बिज़नेस कम्युनिटी को कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दो तरह के फंडामेंटल काम करते हैं हमारे लिए नंबर वन दैट दे रीएलोकेट द एग्जिस्टिंग रिस्क टू दोज पीपल हु आर रेडी टू टेक अप रिस्क जैसे आपको पता है कि जो भी लोग होते हैं वो जो बिजनेस में लोग हैं या नहीं है उनको हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं कि लोग जो हैं वो रिस्क अवर्टर्स होते हैं यानी कि रिस्क अवॉइड करना पसंद करते हैं इस तरह की जिंदगी जीते हैं या फैसले करते हैं जिसमें रिस्क ना हो कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्क लवर्स होते हैं वो उस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें रिस्क हाई लेवल का इन्वॉल्व होता है उनको हम रिस्क लवर्स कैटेगराइज करते हैं एंड देन देर इज़ अ थर्ड कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल्स हैं राइट right? वो ना तो लवर्स हैं ना अवॉइडर्स हैं वो दरमियाने लेवल के ऊपर बैठे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस हैं वो क्या करते हैं इकोनॉमिक एफिशेंसी को गेन करने के लिए मदद करते हैं इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स की कि वो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने जो रिस्क हैं उनको रीएलोकेट कर सकें और हाई रिस्क वाले जो एसेट्स हैं वो उनको बेच सकें उनको ट्रांसफ़र कर सकें जो कि रिस्क लवर्स होते हैं वो लोग जो कि हाई लेवल ऑफ रिस्क लेना पसंद करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हाई लेवल ऑफ रिस्क क्यों लें इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है तो हमने हमेशा से पढ़ा है कि हाई रिस्क मीनस के देर इज़ अ प्रॉबीबिलिटी दैट यू मे कम अप एंड अप विद अ हाई रिटर्न सो अगर बड़ा रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी बड़ी मिल सकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिमिलरली इफ समबडी इज़ टेकिंग लो लेवल ऑफ रिस्क ऐसी की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है या इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है जहाँ रिस्क बहुत कम होता है तो उसकी रिटर्न भी कम होती है राइट सो देर आर पीपल हु आर रेडी टू टेक हाई लेवल ऑफ रिस्क बिकॉज दे से दे सी के हाई लेवल ऑफ रिस्क लेने से देर आर चांसेस के हमें रिटर्न भी हाई मिलेगी तो आप क्या करते हैं वेन यू आर इन टेंडिंग आप रिस्क अवॉइड कर रहे हैं रिस्क को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने क्या किया आप अपने हाई रिस्क जैसी आपने कोई उस वक्त नहीं थे हाईली रिस्क हाईली रिस्की इन इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की हुई थी फॉर एग्जाम्पल बट ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज हो सकते हैं तब्दील हो गए जिसकी वजह से आपका जो लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो हाई रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया तो आप अभी आपको उसे डर लग रहा है कि ये मुझे नुकसान ना पहुँचा दे तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं इमीजिएटली टूअ टू दो पीपल हु आर रिस्क लवर्स हु आर स्टिल रिस्क लवर्स हु वॉन्ट टू टेक हाई रिस्क तो ये करना पॉसिबल कैसे होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ये कौन लेना पसंद करेगा या वो हाई रिस्क लेना पसंद करते वाला इन्वेस्टर है मुझे उसके बारे में कैसे पता चलेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये की रोल प्ले करती हैं कि वो कनेक्ट करती हैं इस तरह के लोगों से जहाँ जिनको आप अपनी रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो नंबर वन इज़ दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस री एलोकेट द एग्जिस्टिंग रिस्क टू पीपल हु आर रेडी टू टेक हायर रिस्क नंबर वन सेकेंड काम क्या करती है दे कॉज रियालोकेशन सो वो इस तरह का निज़ाम को फैसिलिटेट करती हैं जिससे जो प्रोडक्शन में कंजम्पन में जो मनी जा रही होती है जो फंड्स का फ्लो जा रहा होता है वो इस निज़ाम को फैसिलिटेट करने के लिए बेहतर बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो दे काज रियालोकेशन एंड एट द सेम टाइम दे डू पार्टिसिपेट इन रियालोकेटिंग द रिस्क फ्राम दोज पीपल हु आर नॉट रेडी टू टेक हाई रिस्क टू दोज पीपल हु आर रेडी टू वो आर विलिंग टू टेक हाई रिस्क या दे आर देर आर सिकिंग टू इन्वेस्ट इन दो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या स्टॉक्स जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि तो उनको लालच हो रहा होता है कि शायद इससे हमें ज़्यादा पैसा कमाने में मदद मिल जाए तो इस इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू टेक अपन एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू इन्वेस्टर्स एक कोई विडो है और दूसरा एक स्टूडेंट है तो जो स्टूडेंट है और विडो है दोनों के पास एक लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा हुआ है अब जो विडो है उसका जो एक लाख रुपया है वो विडो ज़ाहिर है आप ज़्यादा बड़ा हम एज्यूम करें कि वो कॉन्जरवेटिव इन्वेस्टर है इसका मतलब है कॉन्जरवेटिव का क्या मतलब है कि वो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि मैं सेफ रहूँ लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या? वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है एग्रेसिव इन्वेस्टर किसको बोलते हैं कि वो इन्वेस्टर जो कि रेडी टू टेक का हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कि अभी मैं हाई रिस्क ले सक ले सकती हूँ जो स्टूडेंट है वो कह रहा है आई आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसा का सिचुएशन में अभी क्या होगा कि सपोज हम एजूम करें कि जो वीडियो वीडो के जो एक लाख रुपए हैं जो वो इन्वेस्ट करना चाहती है वो तमाम वो पैसा है जो कि उसके मियाँ ने उसके लिए छोड़ा था मरने से पहले और वो शेयर्स के फॉर्म में है और शेयर्स में हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो वो इसमें अभी कंटिन्यू नहीं करना चाह रही राइट सो शी शी इज़ ट्राइंग टू गेट विट ऑफ दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ हाई रिस्क इन्वॉल्व है लेकिन जो स्टूडेंट है लड़की जिसके पास एक लाख रुपया है और वो, वो इन्वेस्ट करना चाहती है वो उसके पास बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है सी डी के फॉर्म में उसके पास वो एक लाख रुपया है और वज़ायर उसके ऊपर उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है तो उसका रिटर्न भी बैंक में पैसे जो पड़े होते हैं वो आपको बहुत थोड़ा सा रिटर्न देते हैं तो वो शी वेट इन टू दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी जहाँ हाई रिस्क होगा और हाई रिटर्न होगा तो अभी क्या करेंगे लेट्स ये सिर्फ दो ही लोग हैं हमारी मिसाल में तो वो अगर स्वाप कर लेंगे इसको बदल लेंगे अपने अपने एक लाख रुपए के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म है यानी कि स्टूडेंट अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हमने डिफाइन किया है वो अगर विडो से शेयर्स ले ले एक लाख रुपए के और ज़्यादा शेयर्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं डेली बेसिस के ऊपर हाई रिस्क है मगर कुड भी है पॉसिबिलिटी वो ज्यादा पैसा भी कमा सकता है ठीक है कमा सकती है और जो अपना एक लाख रुपया है वो बैंक में जमा करा के वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो उस वीडियो को दे देंगे तो अभी वो शी इज रिलेक्टेड टू टेक तो अब उसने क्या किया है कि उसने अपनी रिस्क को दोनों ने uh, खातून ने भी और जो स्टूडेंट है दोनों ने अपनी रिस्क को इंटरचेंज करके इन्वेस्टमेंट के जो फॉर्म्स हैं उनको रिस्क को ट्रांसफर कर दिया राइट एक के पास लो, लो रिस्क वाली एसेट थी उसने हाई रिस्क वाली एसेट ले ली है दूसरे के पास लो रिस्क वाली हाई रिस्क वाली एसेट थी उसने उसको उसको स्टूडेंट को देके अपने लिए लो रिस्क वाली एसेट ले लिया और इस तरह से दोनों विल बी इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन के दोनों बेहतर वाली सिचुएशन में चले जाएंगे और अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दीज ट्रांजेक्शन्स आर फैसिलिटेटेड और मेड पॉसिबल थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने स्ट्रॉन्ग हैं जितने कनेक्ट वेल कनेक्टेड है उनका नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग है जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो ज़्यादा इकनॉमिक एफिशेंसी को फेसिलिटेट कर सकते so the ability to again there is an, uh, and there are a few important things um, regarding the re resource allocation and risk allocation or usmca that, That financial institutions hai, they are they basically pay, play this important or key role in transferring the risk or by making the whole scenario um, easy or better for the participants of the financial sector और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि वो पूल करते हैं रिस्क को दे कैन शेयर द रिस्क थ्रू द नेटवर्क दे हैव और थ्रू द कनेक्शंस दे हैव इन्वेस्टर्स जाएंगे अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक उसको अवॉइड करने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए अपने डिज़ायर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपने मनी को कन्वर्ट कर सकते